बहुत गुस्सा था लोगों में। अगर हमको मुलायम सिंह अकेले मिले होते तो उनको हम दांत से खा के हजम कर लेते, सबेरे निकालते। ये आदमी ये आक्रोशा दिनों में खा लेते और भिन्नैया उनको निकालते, हम उनको हड्डियां सहित खा जाते। जो इतना आक्रोश था हमको ही नहीं था, एक जाति विशेष को और धर्म विशेष को, धर्म तो नहीं है पंथ विशेष को छोड़ दीजिए, तो सब में यही गुस्सा था। आप में भी यही गुस्सा रहा होगा, अगर आप उस समय पैदा हो गए रहे होंगे तो आपको याद होगा, छोटे बच्चे रहे होंगे तो आप भी उसके नाम पर मुट्ठी भींचते रहे होंगे, मुलैमा। ये होता था, इतना गुस्सा था, कोई मुलायम सिंह नहीं कहता था, मुलैमा मुल्लवा ये लोग बोलते थे शब्द, मैंने बताया ना एक लाइन में। इसी घटना के बाद से एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ वो आए रामायण मेले का उद्घाटन, मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने देखा नहीं, मैं चला गया वहाँ, मैंने देखा तो मैं उसके बगल गया मुलायम सिंह के, जानबूझ के बैठा कि इसकी गर्दन दबा के ही मार दूंगा, लेकिन सब स्थिति को भांप गए परमहंस रामचंद्र दास जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा उसके साथ कमांडो है, तुम तो मार डालोगे लेकिन तुम भी मार दिए जाओगे, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना। हमने कहा गुरुजी इस आदमी ने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई है, हिंदू स्वाभिमान पर गोली चलाई है, अब मैं इस सभा का बहिष्कार करता हूँ। तब से आज तक मैं रामलीला के रामायण के उस निमंत्रण में नहीं जाता हूँ। मैंने कहा ये सब समाजवादी निमंत्रण मैं कभी नहीं स्वीकार करूँगा, मैं नहीं गया। ये गुस्सा था, हम ही ने मैं नहीं था, बहुतों में था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। राम नाम की गूंज पूरे देश में विदेश में सुनाई पड़ रही है, जहां भी आप जाइए सभी लोग जो है राम मंदिर की बात कर रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और पूरे देश को में इसको लेकर उत्सुकता है। इस समय हम खड़े हैं अयोध्या में, हमारे साथ हैं संतोष दुबे जी और दयाशंकर पांडे जी, रविशंकर पांडे। इन दोनों व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, जो बाबरी ढांचा था, जो गुंबद था उसको ढहाने में प्रत्यक्षदर्शी हैं ये लोग, और जो गोली चली थी उसमें भी आप लोग थे। हाँ, उसमें चार गोलियां लगी थी, भी आप लोग थे। ये जो राम मंदिर अब बन रहा है जी, क्या कहेंगे, बहुत समय बाद बन रहा है, क्या कहेंगे? अंत भला तो सब भला, अच्छा हो रहा है, बन रहा है। अब हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा ये परमानंद का विषय है, अच्छा हो रहा है, देर में ही सही। हम लोग तो देख रहे हैं पर हमारे साथी नहीं देख पाए, जो इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े थे वो लोग बेचारे नहीं देख पाए, उनका भाग्य अपना था, हमारा भाग्य अपना है, पर ये सुखानुभूति है। अब आप लोगों ने जब 1990 में भी आप लोग थे जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, 84 से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, 84 में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक रामलला का घर नहीं बनेगा हम अपना घर नहीं बनवाएंगे, और उसके बाद से 86 में जब ताला खुला, जिन्होंने ताला खुलवाया मेरे मौसेरे भाई हैं उमेश चंद पांडे जी, तो उन्होंने हमको संकल्प याद दिलाया कि राम मंदिर तब बनेगा जब बाबरी ढांचा ढहाया जाएगा, तो मन में बैठ गया तब ये संकल्प, तो इसलिए उसमें हम लोग लगातार लगे रहे। लेकिन 2 नवंबर 30 अक्टूबर को जब ढांचे पर चढ़े तो अपना भगवा गमछा हमने बांध दिया गुंबद पर, और भी लोग चढ़े आएंगे जी। आप अयोध्या के रहने वाले हैं जी? हाँ, अयोध्या के जी। अच्छा, आप भी थे 92 में भी आप थे जी, तो जब आप लोगों ने ये बाबरी विध्वंस हुई तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि कब तक मंदिर बन जाएगा, कुछ उम्मीदें थी कि क्या लग रहा था उस समय? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भाषण वीर थे, जो प्रमुख पार्टियों के बड़े बड़े नेता थे, जो अपने आप को आज हिंदूवादी और राष्ट्रवादी बोलते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि वो मंदिर, वो मस्जिद टूटे और मंदिर बने, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाती, और जब उनकी दुकान बंद हो जाती तो सारा खेल ओट का है, दुनिया जानती है। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि क्यों ना अब की इन लोगों ने कई बार बुलाया, सांकेतिक किया, बालू ले आइए, तो जल ले आइए, तो पत्थर ले आइए, तो हो गया। और अब की बार जो है ये दिमाग में था कि अब की बार अगर नहीं टूटा तो भैया टूटेगा नहीं, और फिर बाद में ये लोग जो है ये राजनीति करते रह जाएंगे, सोचा गया यही बात। सब लोग इकट्ठे हुए, सारी बातें हुई, रात में प्लानिंग हुई 5 तारीख को, उसके बाद तो फिर 5,000 लोगों का जत्था आया हमारे संतोष जी के नेतृत्व में, और जो कुछ भी कार्य हुआ है हमारे संतोष जी के नेतृत्व में हुआ है। हम दोनों लोगों ने मिल करके 2 साल तक लगातार कम से कम 5,000 लोगों को जोड़ा,
एक स्कूटर थी, इस स्कूटर पे हम लोग बैठ करके रात में 1:30 बजे 2:00 बजे पुलिस ना समझ जाए, पुलिस ना जाए, ये उस समय उनकी मुलायम सिंह जी की, मुल्ला जी की वो थी, सरकार थी, और हम लोग डरते छिपते बनारस से लेकर के देवरिया से लेकर के महाराजगंज होते हुए सुल्तानपुर उधर होते हुए गोंडा बन नेपाल का बॉर्डर पूरा हम लोग स्कूटर से रात में करते थे। वहाँ पे जो है लोगों को जोड़ा गया, और आगे का ये बताएंगे कि किस ढंग से उन्होंने किया, जोड़ा लोगों को, और जोड़ने के बाद तो फिर जो है लोगों से शपथ पत्र पर दस्तखत करवाया गया, शपथ पत्र हम लोगों ने छपवाया था, उस पर दस्तखत करवाया गया, उस पर जो है खून से अंगूठा लगवाया गया, और उसके बाद तो फिर 5 तारीख को ही सबको बुला करके और निर्णय लिया गया कि अब की बार चाहे ये भाषण भी कुछ भी कहें, चाहे जो कहें, मत उनकी बात सुननी ही नहीं है, मत तोड़ो तो कहेंगे ही। तो सारे लोगों ने मिलकर के अपना जो है यही निर्णय लिया, और उसके बाद फिर 6 तारीख को जो है हम लोग जाकर के, एक मोटी मोटा बता रहा हूँ, 6 तारीख को जाकर के जो है हमने सुबह जो है मॉर्निंग में अपना हम लोगों ने काम कर दिया जो करना था, जिसके लिए हम लोग आए थे। अभी जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि राजीव गांधी जी ने ताला उसका तोड़वाया था, ये जो ताला जो खुलवाया था तोड़वाया था, ये क्या उस समय क्या था? अगर ये होड़ लगी तो उसी समय इनको स्वीकार कर लेना चाहिए था, और सच तो ये है कि पीवी नरसिम्हा राव ने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी 92 में 6 दिसंबर की घटना में, तो श्रेय नहीं लिया, क्यों नहीं लिया श्रेय लेना, आपका लगा है बोलते श्रेय लेना चाहिए ना, आपने किया तो श्रेय लेना चाहिए भाई, हम लोगों को जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई वो तो वहीं से थी, और तोड़ना ही उद्देश्य था, तो आपको श्रेय ले लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो बाकी नरेंद्र मोदी को माइनस कर दीजिए। तो और अदालत के उन माननीय 5 न्यायाधीशों को माइनस कर दीजिए, तो फिर किसका क्या रोल है? ये जो लोग श्रेय लेना चाहते हैं कोई रोल नहीं है, पहले कि नहीं क्यों नहीं कर लिया, पहले कर लेते, इसका मतलब कुछ नहीं है। ये सारा जो खेल हुआ वो 5 जजों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये श्रेय जाता है कि उनकी अगुवाई में सारा काम हो रहा है। हम लोगों का काम ढांचा तोड़ना था, मंदिर निर्माण तो तभी हो सकता था जब ढांचा टूटे, बिना ढांचा टूटे तो मंदिर बन नहीं सकता था, तो हम लोगों ने ढांचा तोड़ा, और प्रतीक्षा थी कि अब फैसला आएगा तो राम मंदिर के पक्ष में आएगा, क्योंकि एविडेंस तो हमारे साथ है, सारे साक्ष्य, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया और इन्होंने श्रेय लिया, क्या गुनाह किया है? 1990 में जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, कोठारी बंधु भी आए थे, ये वही सड़क है ना? हाँ, दिगंबर अखाड़े की जो सड़क है वही सड़क है। हाँ, कैसे, मतलब कहाँ से लोग आए थे, इस रास्ते से हम लोग आए थे, ये जो आपको मार्ग पीछे दिख रहा इसी रास्ते से आए थे, और ये इस चौराहे पर कुछ क्षण रुके कुछ क्षण। कितने लोग थे? अरे 2500-3000, 3500 जो रहे हो। तो केवल इसी सड़क पे थे कि उधर से? नहीं नहीं, उधर से नहीं, ये पीछे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से हम लोग आए थे, सन्यासी अखाड़ा नहीं, वो उसको छोटी छावनी बोलते हैं, वहाँ से हम लोग आए थे और आगे गए थे, तो आगे गोलीकांड हुआ था यहाँ से 100 मीटर दूर पर। 100 मीटर दूर जी, आप लोग इधर सीधे जा रहे थे? हाँ सीधे, पुलिस उधर खड़ी थी? हाँ, पुलिस ने आगे हनुमानगढ़ी चौराहे पर बैरियर लगा रखा था। हाँ, नहीं अब नहीं लगा है, मतलब बैरियर वाली सरकार चली गई, वो तो बैरियर वाली सरकार थी जो बैरियर लगाती थी, तो खत्म हो गया। हम लोग जब वहाँ चौराहे पहुँचे तो पुलिस ने रोक दिया, जाना नहीं है, बैठ गए हम लोग। तो वो एक IPS अधिकारी था, JS भुल्लर, पंजाबी था, और सारी बदमाशी उसे नहीं की। अच्छा। और उसने कहा कि ये नहीं मानेंगे, हमको पकड़ा हाथ, कहा कि रामलला के दर्शन की बहुत शौक है, चलो भी पहुंचा देते हैं ऊपर दर्शन करना, ये उसके भाव थे। और अब ऐसा मन में उसके क्यों आया, कहे आया, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसने उसके बाद पहले उसी ने राइफल छीन ली एक सिपाही की और गोली चलाने लगा, लाठियां चलने लगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे, सब कुछ हुआ, जिसके पास जो था सब करने लगा। उसी गोलीकांड में तमाम मेरे साथी मारे गए, मुझे भी 4 गोलियां लगी थी, ये यहाँ
उस पार हो गई थी ये इधर, दूसरी गोली यहाँ लगी, हाँ हाँ इधर इधर आ गई, ये दांत तोड़ करके यहाँ आ गई, तीसरी सीने में लगी उस पार चली गई, चौथी ये हाथ में लगी यहाँ आकर अटक गई, इस तरह चार गोलियाँ लगी थी। लेकिन अब राम काज करने जाएंगे तो ये तो सब होगा, और मुलायम की सरकार में करेंगे तब तो ये स्वाभाविक ही था, हार नहीं मानी गई। ये वो गोलियाँ ही थी जिसने 6 दिसंबर के लिए तय कर दिया कि हम ढांचे को तोड़ेंगे, संकल्प को और शक्ति प्रदान कर दी गई, तो झुके नहीं, टूटे नहीं और ढांचे को तोड़ा गया। तो कोई हमें लगता है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य था, जिस कार्य से भगवान ने भेजा था, वो पूर्ण हो गया, आज मंदिर बन ही रहा, वो आपके सामने है। 1990 में जब आप लोग जा रहे थे, जब गोलीकांड हुआ, तो क्या आप लोग कुछ लेके भी जा रहे थे, हथियार वगैरह कुछ? सब खाली हाथ, खाली हाथ, सब खाली हाथ थे। अचानक से गोली, इसीलिए सुनिए, इसीलिए 6 दिसंबर को हम तलवारें लेकर आए थे, 1000 तलवार, 1000 त्रिशूल, 1000 हथौड़े, 1000 गैंती, 1000 सब्बल, कि जो हमको मारने आएगा तो हम 5000 लोगों को हम भी मार डालेंगे, डरेंगे नहीं, अब गोली नहीं खाएंगे, बहुत हो गया, बहुत हिंदुओं ने मार खाया, जो मारने आएगा हम अपनी रक्षा के लिए, जो मुझे मारा तीन मुझे मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैं उनको मारूंगा, मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा। और जब तलवारें म्यान से बाहर आ गई तो यहाँ के प्रशासन को भी समझ में आ गया कि अचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, डरे नहीं हम लोग, हिम्मत किया था और तोड़ने गए थे। हमने किसी का भाषण नहीं सुना, मंच पर बैठे भाषण वीर हम लोगों को गरियाते रहे, उतर आओ आतंकी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हमारे आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं, किसी की हमने सुनी नहीं, हम लोगों ने तार कटवा दिया, भाषण वीर वही मंच से चिल्लाते रहे, बम्बाते रहे, और हम लोगों को हथौड़ा और घन और सब्बल चलता रहा ढांचे पर। आप फोटो देख लीजिए ना, बड़े बड़े जो हिंदू नेता तथा कथित हिंदू नेता थे, सिर पे हाथ रख के खड़े थे, आज काला दिन है, काला दिन वाले नेता आज कोमा में है, जीते जी देख लीजिए ना। और जिसने कहा काला दिन नहीं, वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा हमारे शिव सैनिकों ने ढाया, हमें उन पर गर्व है, उनके अंतिम संस्कार में दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया, 50 लाख लोग शामिल हुए, ये वीरता थी। ये क्या था, अरे आप कार सेवा करिए, बालू लाओ, मोरंग लाओ, मिट्टी लाओ, ऐसे कार सेवा होती है? जो चीज़ें तलवारों से जाती हैं वापस भी तलवारों से आया करती हैं। बाला साहब ठाकरे के पुत्र को बुलाया ही नहीं, न्योता नहीं मिला, क्या जरूरत है? जो बुलाने वाला काम नहीं करेंगे कहे बुलाए जाएंगे, काम नहीं करेंगे, बुलाने वाला काम उनको करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने, नहीं कर रहे हैं। हम हमारे नेता हैं, अगुआ हैं, आप शिवसेना से, हाँ जी, लेकिन दुख है इस बात का कि उन्होंने हिंदू समाज के मर्म को पकड़ा नहीं, और मोदी जी ने पकड़ लिया, योगी जी ने पकड़ लिया। तो तीर्थाटन करने से भगवान नहीं मिलते हैं, देशाटन करने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान घट घट व्याप्त तो हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो यहाँ रहते हैं, यहाँ खोजा नहीं, वो शरद पवार के घर में खोजने लग गए, मुलायम हत्यारे के बेटे में खोजने लगे, ममता बनर्जी में खोजने लग गए, ये उनको अयोध्या में आकर खोजना था। धर्म सभा कराई, मैंने निवेदन किया कि काशी मथुरा के लिए भी कुछ कीजिए। तो जब आप मौन हो जाएंगे तो मौनम स्वीकार लक्षणम, आपने स्वीकार कर लिया हमें नहीं कुछ करना है। तो मोदी जी ने ये काम किया तो उनको लख लख बधाइयाँ, आप काहे बधाई पाएंगे, हम आपके दल में हैं फिर भी नहीं बधाई देते, क्योंकि आपने हिंदुत्व की जो छाप थी बाला साहब जैसे महापुरुष की, उसको ही मिटा दिया, आपको रखना चाहिए था। अरे ऐसी सत्ता को लघुशंका कर देना चाहिए, नहीं चाहिए बाला साहब की तरह, ये कौन की सत्ता के लिए आप, शरद पवार उसका देखिए ना, उसका चेहरा कैसा हो गया है, कर्म का फल देखिए ना। लेकिन नहीं तो हिंदू के विरोध में रहना, मुलायम के परिवार को देखिए, मुलायम ने अपने परिवार के कुत्ता बिल्ली गधा बानर भालू गाय भैंस सबको सांसद बनाया था, आप दशा देख लीजिए। तो जब एक ही घाट में कुकुर बिलार कुल एक घाट में पनिए पीवे लगे हैं तो हो ही का तो हो रहा है ना। मोदी जी ने तो पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह यादव को, यही ना तरीका है मोदी जी का, यही तो उनका दिमाग है कि पद्म विभूषण दे दिया। अब कुल यादव जी लोग परेशान हैं, तो उनके घर के ही यादव लड़े मरे जा रहे हैं। मोदी जी बुद्धिमान आदमी है, उनको राजनीति करनी आती है,
पद्म विभूषण देकर उन्होंने बता दिया कि तुमने हमारे साथ वफादारी की, तुम गोली न चलवाते, तुम लाठी न चलवाते, तो ये संकल्प शक्ति कहाँ से आती? और अगर तुम न होते तो मैं भी न होता। वो मुख्यमंत्री बने तो हिंदुत्व के नाम पर बने, और मौलाना मुलायम बने तो मुस्लिम के नाम पर बने। तो मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, ये तरीका है राजनीति का, बड़ा दांव है। और लोगों ने ब्लेंडर मिस्टेक की है, अडवाणी जी, अटल जी, ये समाजवादी विचार के बनकर रह गए, लेकिन मोदी जी ने समाजवाद पर लघुशंका कर दी। बट समाजवाद नहीं चाहिए, हम हिंदुत्व को, हम भारतीयता को लेकर बढ़ेंगे। तो बहादुरी दिखाई उस आदमी ने, वही काम योगी ने किया यूपी में, किसी ने नहीं सुना। वो आजम खान एक तो जो भारत माता को डाइन करता था, कुकुर बना दिया उसको योगी जी ने, अब तो कुकुर हो गया, घरों और वो सब नीलाम हो गया है ना। तब भागता फिर रहा जिलिया में, रोता है, वो तो सबकी चड्डी बताता था किस कलर की है ना। अब क्या हो गया, अब अपनी ही लंगोटी खुल गई, अब अल्लाह ये भी नहीं बचा पा रहे हैं उसको, भैंस खोजवाता था पुलिस से। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग यहाँ मंत्री बनते थे, बेवकूफ़ लोग, कि डीजीपी बेचारे अब ओकरा भैंस खोजते थे, क्या तमाशा बनाया था। तो आजम खान का कोई भी बता देगा कि पीला हो गया उसकी। अरे और इतना ही नहीं, वो एक तो इलाहाबाद का लईमार था, गिराकट मुसलमानों का आइकान था, अतीक भाई होता था। जो योगी जी ने बुद्धिमानी का काम किया ना, चार ठो लड़कों को भेज दिया, तड़ निपटा दिया, लाइव मर्डर किया। ये तरीका होता है, देख लो, दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, तो किया उन्होंने। तो ये दोनों महान अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बता ही नहीं, वो दौड़ाते ना तो बड़ा अच्छा था। बहुत थक चुके हैं, आज वो जगह दिखा दीजिए जहाँ कोठारी बंधुओं को जो गोली बता रहे हैं, 150 मीटर बता रहे हैं, यहाँ से बहुत थक गए हैं। 90 में तो गोली चला दी मुलायम सिंह यादव ने, फिर कल्याण सिंह की सरकार भी आ गई। 92 में आप बनारस से थे, आप अयोध्या के ही हैं, वैसे प्लानिंग क्या 92 में क्या रही? देखिए, ये प्लानिंग देखना हो, प्लानिंग समझना हो तो एकांत में बैठ लीजिए। रोड पे क्या प्लानिंग बताऊं, रोड पर न प्लानिंग बनती है न बताई जाती है। इत्मीनान से बैठिए, आपको बता देंगे कि ढांचा टूटा कैसे। आला गाने थोड़ी टूट गया, बिरहा गाने थोड़ी टूटा है, ये ढांचा टूटा है हथौड़े से, सब्बल से, गैंती से, आत्मबल से, इच्छा शक्ति से। वहाँ रामलला हम आएंगे, खूब नाच दिखलाएंगे, पर ढांचा तोड़ नहीं बहाएंगे। तो हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोगों ने कहा रामलला हम आएंगे, एक एक ऊँट उठा कर ले के जाएंगे, तब मंदिर वही बनाएंगे, तब ये दिन आया है। हाँ, अब तो तमाम सजनी अमाऊ राजकुमार हाथ में आटा लगाया और कहा मैं भी भंडारी, यही श्रेय है। जब आंदोलन चल रहा था, खून बहाना था, तो एक भी नजर नहीं आ रहे थे, अब तो सब हैं, क्या कहना है। चलिए, सबका स्वागत, सब राम भगत हो जाए। अब जो आज तथा कथित जो हिंदूवादी बन रहे हैं चले जाएं, अब काशी मथुरा भी मुक्त करा दें, क्या करना है। यही लोग संकल्प ले लें कि हम अपना घर अब तब्बे बनाए, जब उनके गिराए ईदगाह वहाँ की गिराएंगे, तब मस्जिदियाँ गिरा के तब मंदिर वहाँ बनेगा भगवान का, तब हम अपना बनाएंगे, करेंगे, कुछ नहीं करना है। बस बकर 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 भाषण वीरों भाषणों में, इससे जैसे अडवाणी जी और अशोक सिंगल जी वहाँ 6 दिसंबर को दे रहे थे, वैसे ही सब देते हैं हम लोग। तो हम लोगों को हंसी आती है इन लोगों की बातें सुनकर। कार सेवक चढ़ गए, अब कार सेवक चढ़ गए तो क्या तुम रोक लेते क्या? तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते थे, आए होते तो जो तलवारें थी ना वो बताती कि क्या होता है, रोकने के पड़ा हम कहीं नहीं आए। कोई लुंगी खुल गई, धोती खुल गई लोगों की, भाग गए। तब ये जो भैया जी, ये जो आज दिन आया है ये उस कारण से आया है। घर बनवा लिए अभी? नहीं, अभी कहाँ, अभी हाँ 30 जनवरी के बाद शुरू करेंगे। हाँ, छोटी सी कुटिया हम भी बनवा लेंगे, अब तो रामलला का धाम बन ही रहा है, तो उनके बेटे की भी बन जाएगा, सब करना कराना उन्हीं काम है, हो जाएगा, वही बढ़िया होगा। तब जो स्ट्रक्चर टूटा तोड़ा गया उस पर एक प्लानिंग है, वो बाद में बताएंगे, ये भी जब पूछेंगे आप एकांत बैठे ना, चौराहे तो चौके की बात चौराहे थोड़ी होती है, और प्लानिंग हमारा पूरा पूरा देश लंबी कहानी है, सब सुन भी। हाँ, आइएगा, आपको 5 मिनट 10 मिनट तोड़ने वाला सामान भी दिखा देंगे,
वो पत्थर भी दिखा देंगे, तोड़ने वाले लोगों से भी मिलवा देंगे। खूब इत्मीनान से आइए, आपको सब मिल जाएगा। आप बनारस से कैसे, ट्रेन उस समय चल रही थी? नहीं नहीं, बनारस का मैं यहीं अब निवासी यहीं के हो गए। पिताजी हमारे यहीं पर खंड विकास अधिकारी हुआ करते थे, यहीं से थोड़ी दूर पर। तो ये हुआ कि नहीं कि हाँ अब कुछ करना है, तो हम लोगों को ये उठते हुए सन 87 की बात बता रहा, उठती उठती तमाम बातें कि कोई संतोष दुबे है हैदराबाद में, अयोध्या फैजाबाद में, वो जो है राम मंदिर। उस समय संतोष दुबे जी जो थे वो यूथ आइकॉन हुआ करते थे, आज भी हैं, लोग इनकी मिसालें देते हैं। तो आकर्षण था कि नहीं कि हाँ संतोष दुबे जी से मिला जाए और मिल करके क्यों ना फिर हम लोग भी जो उसमें राम मंदिर में भागीदारी किया जाए तोड़ने में। तो मुलाकात हुई इनसे और मुलाकात होने के बाद जो है हम लोगों ने जो है कुछ ऐसा कुछ राम जी की इच्छा थी कि हम लोग छोटे भाई बड़े भाई की तरह आज भी सन 87 से लेकर के आज तक साथ साथ हम लोग थे, ग्रुप जोड़ा गया साथ में, तमाम सब और भी सब तमाम ऐसी गतिविधियाँ हुई जो दो चार मिनट पाँच मिनट बताने लायक नहीं है। तो अभी तक और इस तरह से हुआ, सब लोग जो है साथ में अपना हुए, सारा काम हुआ। ये जब गोली चली थी, मुलायम ने जब गोली चलवाई थी, तो उसके बाद क्या माहौल था यूपी में, क्या किस तरह की बातें हुआ करती थी उस समय? बहुत गुस्सा था लोगों में। हाँ, अगर हमको मुलायम सिंह अकेले मिले होते तो उनको हम दांत से खा के हजम कर लेते, सबेरे निकालते। ये आक्रोशा दिनों में खा लेते और भिन्नैया उनको निकालते, हम उनको हड्डियाँ सहित खा जाते, जो इतना आक्रोश था। हमको ही नहीं था, एक जाति विशेष को और धर्म विशेष को, धर्म तो नहीं है, पंथ विशेष को छोड़ दीजिए, तो सब में यही गुस्सा था। आप में भी यही गुस्सा रहा होगा, अगर आप उस समय पैदा हो गए रहे होंगे तो आपको याद होगा, छोटे बच्चे रहे होंगे तो आप भी उसके नाम पर मुट्ठी भींचते रहे होंगे, मुलैमा। ये होता था, इतना गुस्सा था, कोई मुलायम सिंह नहीं कहता था, मुलैमा मुल्लवा ये लोग बोलते थे शब्द, मैंने बताया ना एक लाइन में। इसी घटना के बाद से एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ वो आए रामायण मेले का उद्घाटन, मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने देखा नहीं, मैं चला गया वहाँ, मैंने देखा तो मैं उसके बगल गया मुलायम सिंह के, जानबूझ के बैठा कि इसकी गर्दन दबा के ही मार दूंगा, लेकिन सब स्थिति को भांप गए परमहंस रामचंद्र दास जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा उसके साथ कमांडो है, तुम तो मार डालोगे लेकिन तुम भी मार दिए जाओगे, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना। हमने कहा गुरुजी, इस आदमी ने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई है, हिंदू स्वाभिमान पर गोली चलाई है, अब मैं इस सभा का बहिष्कार करता हूँ। तब से आज तक मैं रामलीला के वो रामायण के उस निमंत्रण में नहीं जाता हूँ। मैंने कहा ये सब समाजवादी निमंत्रण मैं कभी नहीं स्वीकार करूँगा, मैं नहीं गया। ये गुस्सा था, हम ही में नहीं था, बहुतों में था। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जो न्योता मिल रहा है अखिलेश यादव को, क्या ये गलत हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है और इससे मैसेज खराब जा रहा है। वो अखिलेश उसी मुलायम का रक्त बीज है, उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ वहाँ बोलता है वो, उसको बुलाना चाहिए, बगल जो मस्जिद बन रही मस्जिद धन्नीपुर में वहाँ बुलाना चाहिए था, यहाँ उनकी क्या जरूरत है? गलत निर्णय है ये सरकार का, ये निर्णय गलत है, सरकार का नहीं ट्रस्ट के लोगों का ये निर्णय बहुत निंदनीय है, कतई अच्छा नहीं है। ये हत्यारे को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, है तो उसी मुलायम का बेटा, क्यों बुला रहे हैं आप उसको? इसलिए ट्रस्ट के लोगों को विचार करना चाहिए, इससे समाज में खराब संदेश है। और अब ये संदेश आप दे नहीं सकते हैं कि मुलायम का एहसान का बदला हम चुका रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, वो अपनी 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 सोच है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो ट्रेलर चल रहा है। यहाँ आएंगे तो मियाँ लोग कहिए इससे अच्छा अब ये बिल्कुल नाराज हो जाइए, उसे कहिए एक ही वोट न दे, अब तक तो मुल्ला रहा, अभी तो खुल्लम खुल्ला हो गया है, तब मुल्ला जी का वोट कट जाएगा। यहाँ तो ट्रस्ट ने यही दिमाग हो सकता है लगाया हो, ट्रस्ट में तो और बड़े बड़े कलाकार हैं, हाँ तो और बड़े बुद्धिमान लोग हैं, आएंगे तब भी फंसेंगे, नहीं आएंगे ये फसेंगे। हाँ तो मेरे तो दोनों हाथ मोदक है ऐसे ठाऊँ, वही वही लड्डू दोनों हाथ में ऐसी जगह है कि खाएं तो गुना न खाएं तो गुना। तो अखिलेश अब बेचारे भैंस चरा रहे हैं पिछले 6-7 सालों से,
सत्ता के बाहर हैं, तो यहाँ भी हमें भैंस चरा लें, क्या करना है फिर, और अब कई भैंसों के स्वामी हो जाएंगे। उनका एक भैंस चरवाने वाला वो आजम खान, उनके चचा जान, वो जेल यात्रा पर हैं, ये आएंगे तो इनको पैदल यात्रा पर जनता कर देगी, मियाँ लोग तो उठ देंगे नहीं। हमने मियाँ से बात की है, हमारे यहाँ काम करता है बगल में फ्रेमिंग का, हमने कहा अखिलेश आएंगे तो आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि इनके सरव गाली दे के, उसने कहा इनके सरव के अब हम लोग वोट नहीं दे, ये जो वहाँ जाते हैं तो हमारे मस्जिद वाले में हमें ये तो हमारे साथ गिने जाते हैं ना। लेकिन अंत में उसने कहा कि जिस कार्ड का बगला उसी में लगता है, है तो हिंदू ही और अहिर तो कट्टर हिंदूवादी होते हैं, जा रहा है ये, इसका मन है कि हिंदुओं को वोट लिया जाए। ये वो एक मुस्लिम ने कहा, छोटी जात का मुस्लिम है, दफाली है, उसने ये बात कही, यानी गुस्सा है उस वर्ग में इनके प्रति। तो उसी ने कहा कि अब ही तो एक दो भैंस हुई, एक के बाद चार भैंस और हम लोग प्रदान कर दे, एकदम चढ़ाओ नदी के किनारे, चढ़ाओ जमुना जी के पुलिन पर चढ़ाओ, तुम्हारे लिए सत्ता अब नहीं है। तो कहीं कहीं उधर से भी गए मियाँ रहमान न भय ईमान, ऐमन न भय वहमन, तो इनके लिए वही है और ठीक भी है। बहुत मुलायम ने मजा काटा, खूब अयासी की, खूब हिंदुओं भूना, अब उनके वंशधरों को तो जवाब देना पड़ेगा ना।